जय हिंद सभी भाइयों को। आपको सेना में डॉक्टर बनने का बिल्कुल भी मौका मिल रहा है, 2024 में आप सेना में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर जरूर ज्वाइन करेंगे। साथियों, जो शेड्यूल है आपका, चाहे जिस भी जेडारों से आते हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट का शेड्यूल है उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम डेट भी बताएंगे एकदम क्लियर। आपके जो क्वालिफिकेशन है वो चीजें मैं पहले ही भी क्लियर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के जाके देख सकते हैं, काफी सारे टॉपिक उसमें क्लियर किया गया है, बट कुछ टॉपिक को इसमें भी क्लियर करूंगा और साथ ही साथ नए आने वाले शेड्यूल के ऊपर भी आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लें, ताकि उनको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड पर्पल की अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन। तो वही 12th क्लास है, बायोलॉजी से पास है अगर आप, तो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं एनए में। और स्पॉय फार्मा में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर इस तरीके से जो कोर्स होते हैं बी फार्मा डी फार्मा, वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो नया आने वाला शेड्यूल है उसके ऊपर अगर चर्चा करें, तो आपको पता ही है जेडारो वाइज शेड्यूल जारी होता है, कई सारे वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ, सभी के जेडारो भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो जेडारो वाइज आपका जो शेड्यूल है साथियों, वो जनवरी के अंदर आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल जनवरी के अंदर आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा 2024 वाला भारतीय नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती का। तो 10 दिन आपका बचा है जनवरी आने में, आप थोड़ा सा और वेट करिए, निश्चित ही आपको अपडेट मिलेगा जनवरी में। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। रही बात एज कब से कैलकुलेट की जाएगी, ये साथियों अभी क्लियर नहीं है, जब नोटिस जारी होता है तभी क्लियर हो पाएगा कि आपकी एज कब से कैलकुलेट की जाएगी। ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।